तरह एमबीएस क्रिकेट का भी जुलूस यहाँ पर है। मोहम्मद अकबर, मोहम्मद जाकिर, एलबीएस नगर की तरफ से जो जुलूस निकला था उनके भी बराए करम जो हजरात अपना मोमेंटो ले चुके हैं उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज के नीचे आ जाए। जो लोग स्टेज पे खड़े हैं प्लीज उनसे गुजारिश है इधर उधर मत टहलिए, बैठ जाइए। ये ओसिया नाम की लड़की है इंदिरा नगर, जिनके वालिद का नाम तबरेज है, वो खो चुकी है, वो हमारे स्टेज पे है और जिसकी भी बच्ची है आके लेके जाइए। इनके वालिद का नाम तबरेज है और बच्ची का नाम है ओसिया। आइए आइए, एलबीएस नगर के मोहम्मद जाकिर सारा आपको एलबीएस नगर के मोहम्मद जाकिर आए भाई कोई मोमेंट को दे भैया। हमारे मोहसिन भाई आप कहाँ हैं, लाइटें ऑन कर दो, अंधेरा हो रहा है, लाइटें चालू कर दो। मुबारक दिन है, मैं तमाम रायचूर के लोगों की तरफ से आप तमाम को तहदिल से अवाम की तरफ से मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। माशाल्लाह तमाम लीडरान सब मिलकर बिला मजहब सब मिलते ये त्यौहार कल से मना रहे हैं। आज हम खुश नसीब हैं कि आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन हम मना रहे हैं। मैं जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैं बताता हूँ तो उनकी ज़ियारतें जो हमने की वो आँखों के सामने नज़र आती है। साथ ही साथ ज़ैन लाबदीन उनकी भी ज़ियारत, ये तमाम ज़ियारतें यहाँ तक के हज़रत बिलाल की हम बख्श रहे हैं। बहरहाल आप तमाम को और ख़ास तौर पर हमारे मुस्तफ़ा गुलशन रसूल उनके तुलबा एहतराम इस जलसे में बड़े मोतबर और कामयाब बनाने में मदद करते हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर पर मरकजी कमेटी के तमाम अरकान
तो मैं तहे दिल से रायचूर के तमाम लोगों की तरफ से मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत हमने एक बेटी के हिसाब से सारे मिल्लत को साथ लेकर इस जलसे को कामयाब बनाया। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और हमें अल्लाह ताला सुकून अता फरमाए। अगर हमें सुकून हो तो कांटों पे भी नींद आती है। जो बदहवास है फूलों पे सो नहीं सकते, जो बदहवास है फूलों पे सो नहीं सकते। सुकून दिल हो तो कांटों पे नींद आती है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब यासिन साहब साबिका रुकने असम्बली रायचूर। जब हम महसूस हो रहे थे मेरी पुलिस वाले ट्रैफिक पुलिस वालों से इधर गुजारिश है कि आप टू व्हीलर इधर मत छोड़िए क्योंकि अभी बहुत उधर पब्लिक है तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है इधर से टू व्हीलर को मत छोड़िए। तो लीजिए जैसा कि मैंने शुरू में भी अर्ज किया था कि पिछले 45 ईयर्स से 45 सालों से जो हमारे शहर में बड़े ही पुरमन तरीके से जुलूस निकलता है उस जुलूस की शुरू से लेकर आखिर तक की जो कार्रवाई होती है कानूनी तौर पे दावतनामा हो या पोस्टर हो या फिर लोगों के दरमियान तस्वीर हो या फिर लोगों को कुछ जुलूस की हिदायत करना हो मैसेजेस देना हो तो उसके लिए एक कमेटी होती है जिसको हम और आप इस्लाह मुआशरा कमेटी के नाम से जानते हैं। ये पिछले 45 ईयर्स से इसी तरह बड़े ही अजीब शान तरीके से जुलूस को निकालने में मदद करती है और अपनी नुमाइंदगी करती है। इसके बहुत सारे जुम्मेदारान जो माजी में गुजरे हैं फिलहाल हमारे सामने जो पिछले कई सालों से इस कमेटी के जरिए पीस को बरकरार रखे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लोगों के दरमियान भाईचारगी को बनाने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। तो इस कमेटी के आज 45 ईयर्स हो चुके हैं, 45 साल हुए हैं। इसके हाल ही में कोविड के मौके पे हमारे अब्दुल रहीम साहब जो जनरल सेक्रेटरी थे इस्लाह मुआशरा कमेटी के, उनका इंतकाल हो गया और साथ ही साथ हमारे शहर रायचूर की हमारे मेरे मोहल्ले अरब मोहल्ले की एक मशहूर मारूफ शख्सियत जनाब सैयद कबरुल्लाह हुसैनी उर्फ अफसर साहब का भी गए से गुज़िश्ता साल वो हमारे दरमियान थे। हम साथ में जुलूस को निकालने में काम करे थे। रसूल साहब लियाकत साहब यहाँ मौजूद है, आपको याद होगा हम सब मिलके जो है करे थे, लेकिन आज वो हमारे दरमियान में नहीं है। वो भी इस्लाह मुआशरा कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट थे, नायब सदर थे। तो अल्लाह हम इतने मजमे में जैसा कि मजमा बड़ा हो तो पता नहीं अल्लाह का कौन एक नेक बंदा ऐसा होगा जिसकी दुआ अल्लाह कबूल फरमाएगा। तो हम उन दोनों के लिए और दीगर जो इसके खिदमत करने वाले लोग हैं के दुआ करेंगे। आप सब लोग आमीन कहिए कि अल्लाह ताला जो मरहूमिन हैं उनकी मगफिरत फरमाए, खासतौर पे हमारे अफसर साहब हो या फिर अब्दुर रहीम साहब हो और जितने भी हमारे कायदीन अलहाज अब्दुस्समद सिद्दीकी साहब हो या फिर जितने हमारे नवाब चौधरी साहब हो, ये आज हमारे दरमियान में नहीं है। अल्लाह ताला इस मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े उनकी कब्रों को नूर से भर दे, उनके गुनाह सगीरा कबीरा को माफ़ करे। अब लीजिए इन खिदमत